का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री एंट्री होती है। अब वो वहाँ पे हो गया, हो गई है यहाँ पे से वो तोड़ दिया। गाइस ये हमारी एंट्री हो गई है किचन में, माता सरस्वती जय हो। ये इसके आगे के बाल है जो कि अभी बेबी हेयर। इधर हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, होपफुली सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11:30 बजे से, क्योंकि 10 बजे तो मैं सोने से ही उठी और उसके बाद नाश्ता पानी बस यही सब। देखो हमारी शादी की फ़ोटो लगी है पीछे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये वाली तो ठीक है, ये फैमिली फ़ोटो ये तो अच्छी है, बट ये बिल्कुल अच्छी नहीं। इसमें मेरे पूरे लहंगे का कलर बदल रखा है, जो कि मेरे लहंगे का कलर ऐसा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, प्रिटी है ना। तो हम आए थे यहाँ पे मोंडिका स्कूल का काम किए चक्कर से भी हम आए थे, और वैसे हमें गर्मी भी हो रही थी तो हम इसलिए भी आए थे। क्यों रो रहा है ये? दर नी, दर नी, दर। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं केवी मोंडिका स्कूल, क्योंकि हमें मोंडिका वहाँ से TC CC लानी है। वैसे मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं नहीं आती हूँ, बट इनका मेरे बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। पर उन दोनों में से कोई एक पहन ले। मम्मी दे ही नहीं रही यार ये। वही तो 100 कपड़े पहन लिए स्कूल जाने के लिए। मांग में दर्द कर दिया तब से। चुप रहे, मेरी चुटिया खुल जाएगी। मेकअप कहाँ कर रही, ब्लश ना लगाऊं? तुझे पता नहीं है क्या ब्लश मुझे पसंद है? मेकअप करती भी मैं कभी पहले? हमेशा ब्रश 10 लगा देना, वैसे खुला देती हूँ मैं ना। तू क्यों कर रही है? तूने मेरे मुंह पे फाउंडेशन लगा दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगाना था। मैं इनको लगा दूं मैं बस। कान प्लस में खेल रहा है और प्लस बहुत भारी है हमारी। बस बोलने का काम है, ऊपर नहीं रख सकती, उठा के ऊपर रख दे। कहीं माइक के आती है, इतनी आलसी हो जाती है ना, यहाँ से गिरे ना बस। तेरा बेटा स्पाइडरमैन हो रहा है ना। मोंटी मैम, है पापा? पापा आज पूरा बाजार लेके आ गए, आज पूरा बाजार लेके आ गए। मोंटी लकी, ये उनको तो उठा लो कम से कम। देख क्या कर रहे हो, फोड़ नहीं किया कुछ, नहीं किया दोगे यार। रूम का हाल कैसे करके जा रहे हो, यहाँ देखो ये प्रहान भी पीछे 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 आ जा। मामा प्रहान को पकड़ो, आ रहे हैं। ये हरी बोतल में क्या लाया है पापा? ये क्या है? क्या ही आ रहा? मैं पी के देखता हूँ। पी हर जी, ये क्या है पापा? डैडी और जूस। अभी नहीं चलते टाइम से। चलो ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट रख लिए। पापा इसको ध्यान रखना, सब रख लिया ना तुमने? वहां जाके मैं फिर से घर नहीं आऊंगी कुछ लेने के लिए, मुझे नहीं। हाँ पापा पकड़। हाँ तुझे पूछ लेती थोड़ा सोनी का। लकी चल, शूज शूज पहनने का बिल्कुल मन नहीं होता, चप्पल भी नहीं लाई मैं नीचे से अपनी। ले पकड़ चलो छबरियों। तो तू अंदर नहीं आएगा ना बहन? कर हम कौन से क्या करके जा रहे हैं? मुझे दिखा, मैं तो घर के कपड़े भी वही है, बाजार के कपड़े भी वही है। जैसी सी है वैसी लगेगी ना। मैं तो चप्पलों में जा रही हूँ। चल यार स्कूल तो जा रहे हैं बैंगर, तुम्हारा स्कूल आने तुम्हें देख नहीं रखा क्या?
टोपी क्यों चाहिए इसका? मैं बाल छुपा दूंगी। सारी दुनिया को तो टोपी बनाती है। गाइस तुम देख रहे हो, दोनों मेरे को चिल्लाते रहते हैं, हर टाइम मेरी लेते रहते हैं। गाइस हमारा घर। एंट्री होती है, अब वो वहाँ पे हो गया, हो गई है, यहाँ पे से वो तोड़ दिया। और तुम्हारा स्कूल सुंदर से, स्कूल इतना सुंदर है, सुंदर है यार, वैसे बस इधर ही सुंदर है। तुम्हारे स्कूल में कैंटीन नहीं है? अच्छा, यहाँ है कैंटीन तुम्हारी? एक अंदर थी पर वो बंद कर ली थी बहुत साल पहले। माता सरस्वती जय हो। गाइस हम यहाँ पे प्रेयर करते थे, यहाँ पे पूरी धूप में खड़े रहते थे दिन भर। इनका असेंबली होती है यहाँ पे। सही बोला यार, सही बोला। मन की बात बोल रहा हूँ अभी, मन की बात। मतलब मैं पढ़ रही थी इधर कि हाँ अभी ये हुआ कि हम स्कूल के अंदर था, तो एक लड़की आती है भागी भागी दूर से, 9th क्लास की बच्ची, पीछे से। हाँ पीछे से, दीदी दीदी आप व्लॉग बनाते हो ना? मैंने ऐसे पकड़ रही मुझे पीछे से, दीदी दीदी आप व्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ, कि मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ। मैं कहा यार थैंक यू, खुश हो गई। छोटी सी, छोटी भी नहीं थी, मेरे से बड़ी लग रही थी, बट हाइट में 9th क्लास पर 9th में थी, मुझे लगन था 9th में होगी, लगा ऐसे 11th 12th में होगी, बट 9th में थी। मैंने कहा ठीक है थैंक यू बच्चे। फिर हम बाहर आ गए, चले हम घर, मिलते हैं यार घर पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये रहा, तो ये रहा नहीं, तो ये था केंद्र विद्यालय मनेरा उत्तरकाशी। किसी को अपने बच्चे पढ़ाने हो यहाँ अगर। मेरे की पेड़ से हम, पता जब बारिश होती थी ना तो हम इस डाली को खींचते थे, नीचे आ जाता था तो सब भीग जाते थे। एक फोटो ले लो। आज फाइनली तुम्हारा स्कूल का लास्ट डे हो गया, अब कोई लेना देना नहीं है स्कूल वालों को तुमसे। आना जल्दी यार, मुझे तो स्कूल जाने का, तब तो स्कूल में थे तब तो एक दिन स्कूल नहीं जाना था तुमने। नहीं, अब मेरे को अपने 9th क्लास की याद है ना, बहुत अच्छा था वो टाइम। अब उन्होंने 11th 12th अच्छा नहीं था, 12th भी अच्छा था। सीसी दे दी, माइग्रेशन दे दिया, मतलब कट ऑफ ऑफ स्कूल से।
अब फाइनली आज तेरा कट ऑफ हो चुका है। बाय केवी। बाय केवी। तुझे लाइफ में बहुत सारी सक्सेस दे, ऐसा आशीर्वाद लेके जा अपने स्कूल से। उस बस में वो ब्राउन वाली बस दिख रही है ना, हम उतना उसमें जाते थे घर। क्या बोल रहा? ब्राउन में पीछे होगा भैया, रास्ता क्या है यार ऐसा? पीछे येलो कलर की दिख रहा है, ये तो होटल है सहज विला। वो छोड़, तो बैंक आए थे ना आगे। तो गाइस अभी हम बैंक जा रहे हैं, हमें कर ली बहुत पैसा हो रहा है मंडी के पास, अब संभालने जा रहे ना। संभाला नहीं जा रहा इससे, अब YouTube से बहुत पैसा आ रहा है गाइस। इतना पैसा कमा रही है मोंडी की, अब अकाउंट खोलना पड़ रहा है उसको रखने के लिए। भगवान ने कर दे ऐसा दिन जल्दी आया, यहाँ पीछे एकदम अंदर बैंक। ये किसका है, घर है या फिर होटल है? होटल है। चलो गाइस इसका ATM ले लेते हैं। अंदर मस्त ठंडा है यार, काला ही लग रहा ना। चलते हैं फिर, गर्मी बहुत हो गई। बुढ़ापे में स्कूल जाएंगे क्या? अब हमारा होगा, हमने अपने काम खुद करे हैं ब्रो। तेरे सारे काम के लिए मैं उधर, हमें जाना पड़ता है बिना मतलब। जूते जुराब खोल मेरे, अब झुका नहीं जा रहा। मेरा भाई होता ना भी खोल देता। तू ही ब्रो, ये तो साली सांप है, पता नहीं कब ढस जाएगी। ढस के चली जाऊंगी। आज देहरादून में बारिश हो रही है मम्मी, और हमारे यहाँ पे गर्मी हो रही है। बना दे खाना, खाए हाँ? क्या बनाया आपने आज? मैं नहीं, मम्मी बनाते हुए दिखाना था ना, बहुत तो लोगों को पता नहीं होगा कैसे बनाते हैं। तो गाइस देखो आज मम्मी ने बनाया है यलर। यलर अब क्या होता है, पापड़ होता है ना अरबी का, है ना मम्मी? तो उसका बॉईल करके बनाते हैं। मतलब अभी मम्मी कभी नेक्स्ट बनाएगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मम्मी ने बना के रख दिया था क्योंकि हम चले गए थे। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, हमें बहुत पसंद है। लाइक हमें, पापा को, प्रकाश को, हम लोगों को ना ऐसे घर की चीज़ें पसंद है ना मम्मी, ज़्यादा ऐसे दाल खाना ये खाना हमें पसंद नहीं। हमें पसंद है पहाड़ी चीज़ें, जैसे लिंगड़ा हो गया, कोया हो गया, कापली हो गई, येलर हो गया, रायता हो गया, हम ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और यहाँ उत्तरकाशी आके मेरी मम्मी वही बनाती है मोस्टली। क्यों मम्मी? तो यहाँ हमें ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ परेशानी होती है उसमें, बट उसमें बहुत टाइम लगता है बनने में, तभी स्वाद आता है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो ये हरी साग का येलर है, देख रहे हो तुम। अभी मम्मी इसे कभी नेक्स्ट बनाएगी तो मैं रेसिपी पक्का डालूंगी, आज मैं डाल नहीं पाई। और ये मम्मी ने रायता भी बना रखा है कद्दू का, देखो। बोल रही थी हम लोग यही सब चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पापली, कैड़ी, कोया, लिंगड़ा, है ना? हाँ, पर खुद बनाना नहीं आता हमको ये, इसलिए हम ज़्यादा ऐसे बाहर की चीज़ें पसंद नहीं करते। देहरादून में ना ऐसी चीज़ें बन नहीं पाती हैं, और इसीलिए तो वहाँ पे मज़ा नहीं आती खाना खाने में। हमें पड़ रखी है घर की आदत, तो मैं जब भी उत्तरकाशी आती हूँ ना तो मम्मी बस यही बनाएगी, आलू का खिचौड़, सारा पहाड़ी फूड मिलता है मतलब मेरे घर में। और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, इतना अच्छा किसी की मम्मी नहीं बनाती, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के घर, हाँ मेरे लिए ही बनता है, वही मैं कह रही हूँ। और मतलब मैंने बहुत लोगों के घर में जाके खाया है, बट मुझे ऐसा टेस्ट कहीं भी नहीं आता जैसे मेरी माँ बनाती है, और ये बात बहुत सच, मतलब मेरी मम्मी की रेसिपी बहुत बेस्ट है। अभी खाते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो खा ही लाया अपना दशहरी आम, तो मैंने आया इस सीजन का ये पहला दशहरी आम खा लिया, ज्यादा पसंद नहीं है दशहरी वाला।
हाँ मेरी जान, रोटी खा रहा है? यही तो था वो परसों वाला ना, वो मोटा था, ये छोटा बच्चा उसका। रोटी पूरा पास देते नया तू। अरे उसको भी देखना है, प्राण को देखने दे, इसलिए रो रहा है वो। बाय बाय। पीटेगा वो, लेके जाएगा आपको अपने साथ, और फिर फेंक देगा ऊपर से ये भी तो बंदर है मेरा, ये भी तो बंदर जैसा लटकता मम्मी से। देख लटक गया, मम्मा के बाल खींचता रहता है, मम्मा के बाल खींचता रहता है मम्मा का बंदर। ओहो लाइट चली गई मम्मी। अब कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे हम अब। चलो सो जाते हैं बेटा। बात हो गई ना फिर बंदर को दी हल्दी और लैपटॉप दे उसको। मेरा ये वैसे भी हूँ। तो गाइस इसके बाल देखो पहले तुम, आगे इसे दिखाई थी, ये इसके आगे के बाल है जो कि अभी बेबी हेयर्स जो कि अभी अभी आए इतने सारे। भाई तू तो स्मूथिंग कुछ भी कर ले फिर भी तेरे बाल आएंगे। पीछे से तो मेरे बाल स्ट्रेट हैं, नेचुरल हेयर मेरा स्ट्रेट है पूरा, ये है मेरा हो रखा, इसकी वजह से ये जब उन्हें ऊपर करती हूँ तो ये पूरे ऐसे मुड़ जाते हैं। यार ये गाइस ये इसको पढ़ने ही नहीं दे रहा है, छोटे हैं तो ये नए सीधे हैं। वैसे मैं ऐसे हेयर कट करा लेती हूँ, मम्मी देख इतने निकल रहे हैं नए बाल। हेलो गाइस, तो मैं कैसी लग रही हूँ यार, मैं अपना ऐसे हेयर कट करवा लूँ दो नंबर की लगेगी। कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? दो नंबर की मतलब क्या होता है? किसी के इतने बेबी हेयर्स हो सकते हैं, और ये मेरे जस्ट अभी डिलीवरी के बाद आए हैं, मतलब लास्ट 4 मंथ में जितना भी मेरा हेयर लॉस हुआ होगा उसके बदले मेरे सारे इतने नए बाल आए हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ इन बालों को लेके, परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं इनका, इसलिए हर टाइम ऐसे लगते थे मैं मुंह ही ना धो रखा। गाइस अब प्रहान को लैपटॉप से खेलना है, एक चीज से मन नहीं भरता इसका, मतलब एक चीज से मन भर जाता है दूसरा चाहिए होता है इसको, बस खेलने देना। ऐसी मामू दिखा दी, मामू को मामू बना दिया। ठीक है मैं गरीब हूँ चलने का। मैं तुमको और रूम दो, मैं जाने को बोल रहा, जाओ ना। बाबू तेरे लिए नहीं है वो लैपटॉप, तेरी मम्मी नहीं दिलाएगी तेरे को। दिलाऊंगी मैं उसको, मेरा ही है वो। मैकबुक दिलाना, ये मैकबुक लाइट लाई है देखो, बस ये यहाँ पे डेल है। डेल ही हो सकता है तू, डेल बोला मैंने, डेल बोला ना इसने, डेल बोला उसने, तूने सुना डेल, थोड़ा सा उल्टे पहन रखी टी शर्ट ऊपर से। दिमाग काम करना बंद कर दिया मेरा यहाँ के, देखो घुटना कितना ऊंचा हो गया, दिमाग आके यहाँ बस गया है। थप्पड़ मारूंगी दोनों को, बकवास कर दिया। मामा तो लगा ही रहता है वो, मामा जी बोलेगा जी, लायक है भी तू ऐसी। तो गाइज मुझे कुछ कहना था कि जैसे आजकल की तुम्हें पता है हम उत्तरकाशी में आ रखे हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कैसी वीडियोस देखनी है आगे, और उत्तरकाशी के उत्तरकाशी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करना कि मैं या मोंटी मतलब हम दोनों नेक्स्ट क्या व्लॉग लेके आए हैं या कौन सी वीडियो लेके आए हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक हम उत्तरकाशी में हैं तो मैं चाह रही हूँ कि एक्सप्लोर करें उत्तरकाशी को जितना हो सके। हाँ तो थोड़ा तुम आइडिया दो कि क्या देखना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा ना कि तुम्हें क्या देखना है, तुम इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में कि नहीं जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं तुम्हें, तो इसलिए प्लीज़
और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग के नीचे आगे कमेंट करना कि क्या देखना चाहते हो आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं तुम्हें कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट आगे तुम्हें कैसे वीडियोस देखने हैं, क्या वीडियो क्या जानना चाहते हो, क्या दिखाएं हम तुम्हें उत्तरकाशी के बारे में। और इसकी उल्टी टी शर्ट इग्नोर करो।